हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में बिहार ITI सेकेंड ईयर के इलेक्ट्रीशियन थ्योरी पेपर के प्रश्न को देखेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप सभी के पास काफ़ी कम समय बचा हुआ है। 13 दिसंबर से जो है आपका ITI सेकेंड ईयर का जो है एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं, तो जो भी थ्योरेटिकल इलेक्ट्रीशियन थ्योरी से जो भी प्रश्न आते हैं वह काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न को इस वीडियो में देखेंगे। तो आज हम इस वीडियो में जो है इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के DC जनरेटर से रिलेटेड जितने भी टॉप महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वह सबको देखेंगे, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में जो है इन सारे प्रश्न से बाहर जो है या नहीं पूछेंगे। आप इस वीडियो को सही से देख ले और सारे प्रश्न को याद कर ले तो आपका एग्ज़ाम में जो DC जनरेटर से जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। पहला क्वेश्चन है, DC जनरेटर में X रूपीज जो चिन्हित भाग का नाम बताना है। या आप यहाँ फिगर देख रहे हैं जो कि DC जनरेटर का दिया हुआ है, इसमें यहाँ पर X रूपी जो भाग है इसका आपको नाम बताना है। तो यहाँ जो ये डिनोट किया गया है X रूपी भाग, इसको हम लोग बोलते हैं कम्यूटेटर रेजर बोलते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है, DC जनरेटर का नाम क्या है। यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रश्न आपको फिगर दिया हुआ है, पूछ रहा है कि DC जनरेटर का नाम क्या है। तो इसका जो आंसर होगा वह होगा डिफरेंशियल लॉन्ग शॉर्ट कंपाउंड, मतलब ऑप्शन ए जो है आपका सही उत्तर है। जो भी DC जनरेटर का यहाँ नाम पूछ रहा है वह है डिफरेंशियल लॉन्ग शॉर्ट कंपाउंड। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। थर्ड क्वेश्चन है, DC जनरेटर में प्रेरित EMF की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। जो भी DC जनरेटर में प्रेरित EMF होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट जो होता है उसको ज्ञात करने के लिए जो है हम लोग किस नियम का प्रयोग करते हैं। तो हम लोग जो है फ्लेमिंग के जो होता है दाहिना हाथ के नियम का यूज करते हैं, मतलब फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का प्रयोग करते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का प्रयोग करते हैं EMF की दिशा ज्ञात करने के लिए DC जनरेटर में। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, DC जनरेटर में उत्पन्न EMF की गणना के लिए किस सूत्र का प्रयोग करते हैं, मतलब हम लोग DC जनरेटर में जो होता है EMF की गणना करने के लिए किस फार्मूला का उपयोग करते हैं। तो निम्नलिखित में से जो है हम लोग फार्मूला जो है उत्पन्न EMF क्वांट ZN बाई 60 इंटू P/A वोल्ट का प्रयोग करते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है वो देखते हैं। तो 5 नंबर प्रश्न है, EMF की गणना का सूत्र क्या है एक डीसी मोटर में जो है EMF की गणना के लिए जो सूत्र है वह है EV=V - IA R वोल्ट, मतलब इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, 6 नंबर। तो 6 नंबर प्रश्न जो है इसमें बोल रहा है कि DC जनरेटर में X के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताएं। यहाँ जो X के रूप में चिन्हित भाग दिया गया है इसका क्या नाम है। तो इसको जो है हम लोग पोल शू कहते हैं। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। अगर आपने इलेक्ट्रीशियन का जो वर्कशॉप होता है उसमें आपने किया होगा तो देखा होगा कि इसको जो है पोल शू कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि DC जनरेटर का नाम क्या है। यहाँ जो है आपको फिगर दिया हुआ है और आपको इसमें पूछ रहा है कि DC जनरेटर का जो है नाम क्या है। तो आपने अगर अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि इसमें जो है DC जनरेटर का जो नाम है वह है अलग से उत्तेजित जनरेटर, मतलब एग्जिट जनरेटर इसको कहते हैं। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है। आपने देखा होगा शादी विवाह में कि जो जनरेटर चलते हैं वह जो होता है किस ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में जो है परिवर्तन करता है। तो वह जनरेटर जब भी चलता है तो वह क्या करता है कि यांत्रिक ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में जो है कन्वर्ट करता है, मतलब परिवर्तन करता है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न 9 नंबर है कि DC जनरेटर फील्ड का क्या नाम है। DC जनरेटर का जो फील्ड है आपने फिगर में देख रहा होगा कि DC जनरेटर का जो फील्ड है उसका नाम जो है वह विभेदक
यौगिक जनरेटर है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न देखेंगे, तो अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। तो अगला प्रश्न है डीसी जनरेटर का सिद्धांत क्या है। तो डीसी जनरेटर का जो सिद्धांत है वह है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरित नियम, मतलब फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के आधारित है, जो इस पर आधारित है। मतलब डीसी जनरेटर का जो सिद्धांत है वह फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरित प्रेरण का नियम पर आधारित है। मतलब फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर जो है डीसी जनरेटर का सिद्धांत जो है आधारित है। अगला प्रश्न देखेंगे, तो 11 नंबर प्रश्न है गतिशील रूप में प्रेरित ईएमएफ के सूत्र क्या है। तो गतिशील जो रूप होता है ईएमएफ में, उसका जो सूत्र है वह है आपका वोल्ट साइन, वीएलवी साइन वोल्ट। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न देखेंगे 12 नंबर। तो अगला प्रश्न जो है हमारा यह बोल रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का प्रयोग करते हैं, मतलब विच रूल इज यूज फॉर फाइन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसकी दिशा ज्ञात करने के लिए जो है हम लोग फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम का प्रयोग करते हैं, मतलब फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का प्रयोग करते हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, तो अगला 13 नंबर जो प्रश्न है यह बोल रहा है कि डीसी जनरेटर के भाग का नाम बताएं। यह फिगर देख रहे हैं, यह पूछ रहा है कि डीसी जनरेटर का यह कौन सा भाग है। आपने जनरेटर देखा होगा तो इसमें आगे लगा होता है, तो यह कौन सा भाग है आपको बताना है। तो यह जो है डीसी जनरेटर का जो है यॉक फ्रेम है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न देखते हैं, तो अगला प्रश्न हमारा बोल रहा है कि चार पोल डीसी जनरेटर में डुप्लेक्स लैंप वाइंडिंग में कितना समांतर रास्ता है, मतलब हाउ मेनी पैरेलल पाथ इन डुप्लेक्स लैंप वाइंडिंग ऑफ फोर पोल ऑफ डीसी जनरेटर। चार पोल डीसी जनरेटर के डुप्लेक्स लैंप वाइंडिंग में कितने समांतर, मतलब पैरेलल जो पाथ है वो कितने हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, टोटल 8 पाथ होते हैं। तो इसका जो आंसर है सी है। अगला प्रश्न देखते हैं, तो अगला प्रश्न है डीसी जनरेटर के भाग का नाम बताइए। यह पूछ रहा है कि यह फिगर जो है डीसी जनरेटर जो होता है इसका कौन सा भाग है। तो इसका जो उत्तर होगा वह होगा आर्मेचर कोर होता है, मतलब यह जो है जनरेटर का आर्मेचर कोर लेमिनेशन होता है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न देखेंगे, तो अगला प्रश्न है डीसी जनरेटर में इंटरपोल कैसे जुड़े होते हैं। जो डीसी जनरेटर जो जनरेटर होता है उसमें इंटरपोल कैसे जुड़े होते हैं, तो वह जो होता है आर्मेचर के साथ श्रृंखला में जुड़े होते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, तो अगला प्रश्न हमारा क्या है 17 नंबर कि एक श्वेत उत्तेजित डीसी जनरेटर में अवशिष्ट चुंबकत्व की आवश्यकता क्या है, इसके बारे में पूछ रहा है। तो जो एक स्वयं उत्तेजित जो डीसी जनरेटर होता है वो अवशिष्ट चुंबकत्व की आवश्यकता जो है इसलिए पड़ता है कि वह जो है वोल्टेज का निर्माण कर पाए, इसीलिए जो है आंसर ए होगा इसका। अगला प्रश्न देखते हैं, तो अगला 18 नंबर प्रश्न है कि डीसी मशीन में वो कौन दो बिंदु है जो ब्रश संपर्क प्रतिरोध को मापते हैं। जो जनरेटर होता है डीसी उसमें जो होता है कौन से दो बिंदु है जो कि ब्रश संपर्क प्रतिरोध को जो है मापते हैं, तो वह जो ब्रश है वह है ब्रश और कम्यूटेटर के बीच जो है प्रतिरोध जो होता है वही नापता है या मापता है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, तो 19 नंबर प्रश्न जो है इसमें बोल रहा है कि आपको फिगर दिया हुआ है कि किस वोल्टेज ड्रॉप को एक्स के रूप में चिन्हित किया गया है। जो यहाँ पर एक्स है वह जो है किस वोल्टेज ड्रॉप के रूप में जो है एक्स को चिन्हित किया गया है। तो इसको जो हम लोग बोलेंगे आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप के रूप में जो है इसको चिन्हित किया गया है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, तो अगला प्रश्न 20 नंबर है कि कंपाउंडर जनरेटर का नाम क्या है यदि शॉर्ट फील्ड आर्मेचर के साथ समांतर से जुड़ा हो। मतलब शॉर्ट फील्ड जो होता है, शंट फील्ड जो आर्मेचर होता है उसके साथ अगर समांतर में कंपाउंडर जनरेटर जुड़ा हो तो उसका नाम क्या है। तो उसको जो है हम लोग लघु शॉर्ट यौगिक कहते हैं, मतलब शॉर्ट शंट कंपाउंड कहते हैं। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न देखते हैं,
तो अगला प्रश्न जो है हमारा 21 नंबर बोल रहा है कि क्यों एक डीसी जनरेटर की आर्मेचर कोर पटलित है, मतलब क्यों डीसी जनरेटर के जो आर्मेचर कोर होता है वो पटलित होता है। तो इसका जो कारण है वो है भनवर धारा हानि के कम करने के कारण जो है ऐसा होता है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है, भनवर धारा हानि को कम करे, मतलब जब भी एक डीसी जनरेटर के आर्मेचर कोर पटलित होता है तो उस समय क्या करेंगे कि रिड्यूस कर देंगे एडी करंट लॉस को। अगला प्रश्न देखते हैं, तो अगला प्रश्न हमारा 22 नंबर है, इसमें बोल रहा है कि डीसी जनरेटर का आर्मेचर प्रतिरोध बहुत कम क्यों है, मतलब डीसी जनरेटर का जो आर्मेचर प्रतिरोध बहुत कम होता है वो क्यों होता है। तो इसका कारण जो है वह है आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप में कम करे, जब भी मतलब ऐसा काम हो जाए कि प्रतिरोध बहुत कम हो रहा है तो क्यों हो रहा है, तो आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप को जो है कम कर दे। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न देखते हैं, तो 23 नंबर प्रश्न है कि डीसी जनरेटर को घड़ी की दिशा में क्यों नहीं चलना चाहिए, डीसी जनरेटर जो है मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो होता है दिशा में क्यों चलना चाहिए, पूछ रहा है कि जो डीसी जनरेटर होता है वह घड़ी की दिशा में ही क्यों चलना चाहिए। तो इसका कारण क्या है कि जो जनरेटर होता है वो एंटी क्लॉकवाइज क्यों नहीं चलता है, क्यों डीसी मतलब डायरेक्शन क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलता है, तो इसका कारण जो है अवशिष्ट चुंबकों की रक्षा करने के लिए जो है किया जाता है, प्रोटेक्ट द रिड्यूस मैग्नेटिज्म को रक्षा के लिए जो है डीसी जनरेटर को जो है घड़ी की दिशा में चलना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, तो अगला प्रश्न है कि बड़े डीसी जनरेटर में घुमावदार क्षतिपूर्ति क्यों प्रदान की जाती है, तो बड़े डीसी जनरेटर में जो घुमावदार क्षति जो होती है मतलब क्षतिपूर्ति जो है इसलिए प्रदान की जाती है ताकि जो है वह आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव को बेअसर कर पाए। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न देखते हैं 25 नंबर, तो अगला प्रश्न है डीसी जनरेटर में वोल्टेज का निर्माण करने में विफल होने पर क्या करना है, क्या कारण है, मतलब डीसी जनरेटर में जो वोल्टेज का निर्माण करने में विफल होने का क्या कारण है। तो विफल होने का यह कारण है कि फील्ड प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध से ऊपर है, इसीलिए जो है विफल होने का कारण यही है। अगला प्रश्न देखते हैं 26 नंबर, तो अगला प्रश्न है कि जनरेटर का नाम क्या है, यदि इसका क्षेत्र आर्मेचर के समांतर जुड़ा हुआ है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, यदि किसी जनरेटर का नाम जो है उसके क्षेत्र आर्मेचर के समांतर जुड़ा हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो उसे जो है हम लोग संट जनरेटर कहेंगे। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न देखते हैं, तो अगला प्रश्न है कि डीसी जनरेटर में पोल शू का उद्देश्य क्या है, जो पोल शू होता है वह डीसी जनरेटर में उसका उद्देश्य क्या है, तो उसका उद्देश्य यह है कि एयर गैप में समान रूप से फ्लक्स को फैलाए। तो इसका यही कारण है कि जो डीसी जनरेटर में पोल शू होता है उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि एयर गैप में जो समांतर रूप से जो फ्लक्स होता है उसको फैलाए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो अगला क्वेश्चन है 28 नंबर कि डीसी जनरेटर में रिपल्ट रिंग का क्या कार्य है, जो हमारा डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग होता है मतलब रिपल्ट रिंग होता है उसका काम क्या है, तो उसका काम यह है कि धारा को जो है एक दिशा में एकत्रित करना, यही इसका मुख्य कारण है, मतलब जो मुख्य काम है डीसी जनरेटर में जो होता है स्प्लिट जो रिंग होता है उसका काम यही है कि धारा को जो है एक दिशा में एकत्रित करना। अगला प्रश्न देखते हैं, तो अगला प्रश्न 29 नंबर है, जनरेटर में ब्रश बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग करते हैं, जनरेटर में जो होता है ब्रश बनाने के लिए हम लोग निम्नलिखित में से जो है कार्बन और ग्रेफाइट का जो है प्रयोग करते हैं, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न देखेंगे, तो अगला प्रश्न है कि क्यों डीसी जनरेटर अपने अवशिष्ट चुंबकत्व खो देते हैं, जो डीसी जनरेटर के अपने अवशिष्ट जो होते हैं चुंबकत्व वह क्यों खो देते हैं, तो इसका कारण जो है रोटेशन की दिशा अक्सर बदलती है इसलिए जो है वो खो देते हैं। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है, चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ रोटेशन वेरी ऑफ्टेन। अगला प्रश्न देखते हैं, तो अगला प्रश्न है एक जनरेटर में योक और ध्रुव के माध्यम से चुंबकीय सर्किट कैसे पूरा होता है, एक जो जनरेटर होता है उसमें योक और ध्रुव के माध्यम से चुंबकीय सर्किट जो होता है कैसे पूरा होता है, तो वह जो होता है आर्मेचर कोर के द्वारा जो है पूरा होता है, जो चुंबकीय सर्किट जो होता है वह योक और ध्रुव के जो है आर्मेचर कोर के माध्यम से जो होता है इसके माध्यम से जो है पूरा होता है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न देखेंगे, तो अगला प्रश्न है कि
डीसी शंट जनरेटर में लोड बढ़ने पर टर्मिनल वोल्टेज कम क्यों हो जाता है? जब डीसी जो शंट जनरेटर होता है उसमें लोड बढ़ने पर टर्मिनल जो वोल्टेज होता है वह कम हो जाता है, इसलिए हो जाता है ताकि आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव के कारण, जो क्योंकि उस समय जो जब लोड बढ़ जाता है तो आर्मेचर जो प्रक्रिया होता है वो उसका प्रभाव जो होता है वो कारण बढ़ जाता है, इसके कारण जो होता है लोड बढ़ने पर जो है टर्मिनल वोल्टेज कम हो जाता है डीसी शंट जनरेटर का। अगला प्रश्न देखते हैं, तो अगला प्रश्न 33 नंबर है कि लंबी दूरी की वितरण लाइनों के लिए किस प्रकार डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है? तो लंबी दूरी के वितरण के लिए जो है डीसी जनरेटर का उपयोग जो होता है निम्नलिखित में से जो होता है वह संचयी यौगिक जनरेटर के रूप में किया जाता है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न देखेंगे, तो अगला प्रश्न है कि डीसी जनरेटर में इंसुलेटर प्रतिरोध को बेहतर बनाने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो डीसी जनरेटर में इंसुलेशन प्रतिरोध को जो है बेहतर बनाने के लिए जो है निम्नलिखित में से रख रखाव के दौरान मशीन में गर्म हवा देना, इसलिए यह रखा जाता है, तो इसलिए जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। मतलब जब भी डीसी जनरेटर में इंसुलेशन प्रतिरोध को बेहतर बनाने के लिए जो है रख रखाव के दौरान जो है मशीन में गर्म हवा देना तो रखा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, तो अगला प्रश्न है अवशिष्ट चुंबकत्व के अभाव में किस प्रकार का डीसी जनरेटर काम करता है? तो अवशिष्ट चुंबकत्व अभाव में जो होता है डीसी जनरेटर जो होता है निम्नलिखित में से जो है वह अलग से उत्तेजित जनरेटर के रूप में जो है काम करता है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न देखेंगे, तो अगला प्रश्न जो है 36 नंबर है, आर्क वेल्डिंग के किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है? जो आर्क वेल्डिंग जो होता है उसमें जो है डीसी जनरेटर का किस प्रकार, मतलब या किस प्रकार के डीसी जनरेटर का प्रयोग किया जाता है? तो आर्क वेल्डिंग में जो है निम्नलिखित में से जो है विभेदक यौगिक जनरेटर का जो है प्रयोग किया जाता है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न देखते हैं, तो अगला प्रश्न है कि डीसी जनरेटर में तरंग वायरिंग की विशेषता क्या है? जो डीसी जनरेटर होती है उसमें तरंग वायरिंग की जो विशेषता है वह यह है कि वह जो होता है कम धारा को जो होता है उच्च वोल्ट प्रदान करता है, इसीलिए जो है डीसी जनरेटर में तरंग वायरिंग की विशेषता है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न देखते हैं, तो अगला प्रश्न जो है हमारा यह बोल रहा है, फिगर भी दिया हुआ है, डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर संयोजन में प्रतियुक्त प्रतिरोध तार का उद्देश्य क्या है? जो यह डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर संयोजन में प्रयुक्त प्रतिरोध जो तार होता है उसका उद्देश्य क्या है? तो उसका उद्देश्य जो है निम्नलिखित में से यह है कि वह जो होता है धारा दिशा की आसानी से पलटना, मतलब जो दिशा होता है धारा की उसको आसानी से पलटना जो होता है यही काम उसका है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न देखते हैं, डीसी जनरेटर में ठोस पोल शू का उपयोग क्यों किया जाता है? डीसी जनरेटर में जो होता है ठोस पोल शू का उपयोग जो है इसलिए किया जाता है ताकि चुंबकीय पथ में जो होता है रिलैक्सेशन को कम कर सके, मतलब रिलैक्सेशन को जो है कम कर सके चुंबकीय पथ में, इसलिए जो है डीसी जनरेटर में जो है ठोस पोल शू का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न हमारा 40 नंबर है कि बड़ी क्षमता के डीसी जनरेटर योक बनाने के किस धातु का उपयोग करते हैं? बड़ी क्षमता के डीसी जनरेटर में जो योक बनाने के लिए हम लोग निम्नलिखित में से जो है हम लोग रोल्ड स्टील, जो रोल्ड स्टील होता है उसका प्रयोग करते हैं, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न देखते हैं, तो अगला प्रश्न है कि डीसी जनरेटर में रिपल्स रिंग का क्या कार्य है? जो रिपल्ट रिंग होता है डीसी जनरेटर में उसका कार्य क्या है? तो उसका कार्य यही है कि एक दिशा में जो है आउटपुट बनाता है उसका यही कार्य है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न देखते हैं, तो अगला प्रश्न है कि डीसी जनरेटर में किस प्रकार का वोल्टेज गतिशील रूप में प्रेरित होता है या परित होता है? तो डीसी जनरेटर में जो होता है निम्नलिखित में से जो है वह प्रत्यावर्ती वोल्टेज, मतलब अल्टरनेटिव वोल्टेज जो होता है वह जो होता है मतलब डायनामेटिकली जो होता है डीसी जनरेटर में प्रेरित होता है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न देखते हैं, तो अगला प्रश्न हमारा 43 नंबर है जो कि यहाँ पूछ रहा है कि एक्स के रूप में चिन्हित स्टॉल का उद्देश्य क्या है? जो ये फिगर है इसमें एक्स के जगह पर जो चिन्हित है उसका स्टॉल उद्देश्य क्या है? तो इसका जो उद्देश्य है वह यह है कि कुंजी तरीका ठीक करने के लिए किया जाता है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट देखते हैं, तो 44 नंबर क्वेश्चन है कि डीसी जनरेटर के फील्ड
क्वाइल का उद्देश्य क्या है, जो डीसी जनरेटर होता है उसका फील्ड क्वाइल होता है, उसका उद्देश्य क्या है? तो उसका उद्देश्य यही है कि कुंजी फ्लक्स का निर्माण करने के लिए ध्रुवों का चुंबकीय करना, मतलब टू मैग्नेटाइज द पोल ऑफ प्रोड्यूस क्वाइल फील्ड। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न देखेंगे, तो अगला प्रश्न हमारा 45 नंबर है, जो कि बड़े जो डीसी जनरेटर होते हैं उसमें मशीन के पोल कोर बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है। बड़े डीसी जनरेटर में जो होता है मशीन के पोल कोर बनाने के लिए, निम्नलिखित में से जो है हम लोग ढलवा इस्पात मतलब कास्ट स्टील का जो है प्रयोग करते हैं। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न देखते हैं, तो नेक्स्ट प्रश्न है कि क्यों पोल को कोर स्टाइपिंग डीसी जनरेटर में पटलित करते हैं, मतलब जो क्यों पोर कोर को जो है स्टाइपलिंग डीसी जनरेटर में पटलित करते हैं। तो इसलिए पटलित करते हैं ताकि जो है वह भवनवर धारा हानि से कम करे, इसलिए जो है इसको पटलित कर देते हैं। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न देखते हैं, तो नेक्स्ट प्रश्न है कि इलेक्ट्रो पोटेंशियल, जो इलेक्ट्रो प्लेटिंग प्रोसेस है, प्रक्रिया है, किस प्रकार की डीसी जनरेटर में उपयोग किया जाता है। तो इलेक्ट्रो प्लेटिंग जो प्रक्रिया है वह जो है निम्नलिखित में से जो है शंट जनरेटर में जो है प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न देखते हैं, तो अगला प्रश्न है कि डीसी जनरेटर में कंपनसेटिंग वाइंडिंग का उद्देश्य क्या है। जो हमारा कंपनसेटिंग वाइंडिंग है मतलब वाइंडिंग है, तो उसका जो है क्या उद्देश्य है। तो उसका उद्देश्य यह है कि वह जो होता है जो डीमैग्नेटिक इफेक्ट होता है मतलब विचुंबकीकरण प्रभाव को बेअसर कर देता है, इसीलिए इसका उपयोग है, इसका उद्देश्य है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, तो अगला प्रश्न है कि यदि शंट फील्ड प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध मापन के ऊपर हो तो क्या प्रभाव पड़ता है डीसी जनरेटर पर। तो जब भी जो है शंट फील्ड प्रतिरोध जो है क्रांतिक प्रतिरोध मापन से ऊपर हो तो यह प्रभाव पड़ता है कि जनरेटर वोल्टेज बनाने में विफल हो जाता है। जो जनरेटर होता है वह चलता है लेकिन वोल्टेज जो है नहीं बना पाता है, तो इसीलिए जो है यह कार्य होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, तो अगला प्रश्न है कि डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया का प्रभाव क्या है। डीसी जनरेटर में जो होता है आर्मेचर प्रतिक्रिया जो है उसका प्रभाव यह है कि आउटपुट वोल्टेज कम कर देता है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न देखेंगे, तो अगला प्रश्न जो है आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि सिंप्लेक्स वेव वाउंडर आर्मेचर के साथ चार पोल डीसी जनरेटर, इतना कंडक्टर है और इतना जो है आरपीएम की गति से संचालित है, फ्लक्स पोल इतना दिया हुआ है, ईएमएफ की गणना करें। तो ईएमएफ की फॉर्मूला लगाकर आप जब इसकी गणना करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 357 वोल्ट। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, तो अगला प्रश्न है बड़े डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया के प्रभाव कैसे बेअसर किया जा सकता है। जो बड़े डीसी जनरेटर होते हैं उसमें आर्मेचर प्रतिक्रिया के जो प्रभाव को हम लोग कैसे कम कर सकते हैं, तो वह जो है कंपनसेटिंग वायरिंग के द्वारा जो है वाइंडिंग के द्वारा जो है बड़े डीसी जनरेटर में जो होता है आर्मेचर प्रतिक्रिया के प्रभाव को जो है बेअसर और कम कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न देखते हैं, तो अगला प्रश्न है कि डीसी जनरेटर में क्या प्रभाव होता है अगर इसे लंबे समय तक बंद रखा जाए। तो डीसी जनरेटर में जो है यह प्रभाव होता है अगर इसे लंबे समय तक बंद करके रखा जाए तो इसमें जो होता है अपने अवशिष्ट चुंबकत्व को जो है वो खो जाता है, मतलब लॉस इट्स रिड्यूल मैग्नेटिज्म को खो देता है, तो इसीलिए जो है लंबे समय तक उसे बंद नहीं रखना चाहिए। अगला प्रश्न जो है आपका न्यूमेरिकल है, जो कि पूछ रहा है कि पोल डायनेमो के प्रेरित ईएमएफ की गणना इतना दिया हुआ है, आरपीएफ लैंप इतना दिया हुआ है, 600 मीटर की संख्या कुल है, तो फ्लक्स पोल इतना है तो निकाले। तो इसका जब आप निकालेंगे फॉर्मूला लगाकर तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 640 वोल्ट। आप याद कर लेंगे इसे, यह एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, तो अगला प्रश्न जो है आपका 55 नंबर है। यदि मुख्यतः क्षेत्र का प्रभाव डीसी जनरेटर के विकृत हो जाए तो प्रेरित ईएमएफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो प्रेरित ईएमएफ पर यह प्रभाव पड़ेगा कि प्रेरित मतलब इंड्यूज ईएमएफ डिक्रीज हो जाएगा, मतलब प्रेरित ईएमएफ जो है घटता है, तो यह प्रभाव पड़ेगा इसका। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। और यह जो है डीसी मोटर का जो है लास्ट प्रश्न है, इससे बाहर जो है एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा। अगर ये आप 56 प्रश्न कर लेते हैं तो आपको जो है डीसी मोटर के जितने भी प्रश्न आएंगे इसी से रिलेटेड आएंगे और इसी यही प्रश्न आएंगे, डायरेक्ट जो है यही प्रश्न जो है एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और यह हमारा लास्ट प्रश्न है डीसी जनरेटर का। डीसी जनरेटर के ब्रश में भारी स्पार्किंग के कारण क्या है। जो डीसी जनरेटर के ब्रश होता है उसमें भारी स्पार्किंग का कारण क्या है। तो वह जो कारण है वह है एमएनए एंड जीएनए पॉजिटिव चेंज जो होता है उस लिए कारण है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। तो यह जो था
इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के जो आपका डीसी जनरेटर है उससे रिलेटेड 56 महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो आप हमारे चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।